नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा शनिवार से अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वैसे सदस्यता अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर शुरू किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति का विकास करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उन्हीं विचार और सोच के साथ जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सजू राय ने भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा का गठन किया। वैसे यह पार्टी अपने सदस्य अभियान की शुरुआत कराने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी ताकत लगाएगी और राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले विधायक सजू राय के द्वारा एक नई परिपाटी राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिलेगा, जहां भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राज्य और देश के प्रति समर्पित रहेंगे। खास करके राजनीति में हम नई कार्य संस्कृति स्थापित करना हमारा लक्ष्य। भाजपा के संस्थापक और जमशेदपुर पूर्वी के माननीय विधायक सर्वमान्य नेता आदरणीय सजू राय जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राजनीतिक दल को उन्होंने खड़ा करने का संकल्प लिया है, जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों से इसकी अलग व्यवस्था होगी, अलग इनका इमेज होगा और उसके आधार पर जो सदस्यता अभियान होगा, जो इसमें सुचिंतक और भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा से जुड़ने वाले लोग होंगे, वो हमारे कार्य संस्कृति को समझ कर आएंगे और उनको जोड़ेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर सभी पूजा पंडाल की समिति अपनी अपनी पूजा की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया कि पंडाल के चारों तरफ मेला नहीं लगेगा, साथ ही मूर्ति 5 फीट से बड़ा नहीं होगा। वहीं भोग वितरण पर भी फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिला सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने आज उपायुक्त से मुलाकात कर 17 सूत्री मांग जिला प्रशासन के सामने रखी। हालांकि आने वाले समय में सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शहर से लेकर गांव तक के दुर्गा पूजा को लेकर वार्ता कर मूर्ति की लंबाई बढ़ाने और मेला के साथ भोग वितरण करने की अनुमति मांगेगा। फिलहाल सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति बनाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने शहर के तमाम पंडाल का भावनाओं को हम लोग बड़े गंभीरता से हम लोग पेश किए। जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ऐसा पूजा पंडाल है जो कि 100 साल से ऊपर, उसको भी सुविधा मिले, सरकारी सुविधा मिले। मूर्ति का जो सरकार का सर्कुलर आया है, पंडाल का ढाकी का भोग वितरण में अभी विचार चल रहा है, वो सारा एजेंडा हम लोग दिए हैं। 14 सूत्री मांग दिए हैं कि मूलभूत जो सुविधा है पूजा पंडाल का, पूजा कमेटी का, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। एसपी साहब से भी आज हम लोग सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी ने पहला जो नॉन निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं उसका पूरा टीम को लेकर के आज हम डीसी से मिले, तो डीसी साहब ने हम लोग से बात किए और कल बोले पूरा एक एक बिंदु पर 3:30 बजे हम लोग को समय दिए हैं कि एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूजा शांति स्वरूप से हो, शांति सद्भावना से पार हो, हम लोग ने कहा कि हर तरह से हम लोग कॉपरेट करेंगे। धनबाद के भोलाटांड गांव नगर निगम क्षेत्र होने के बावजूद वर्षों से बिजली की समस्या है। गांव में तो 40 वर्ष पूर्व बिजली की तार आई, लेकिन अभी भी घरों में सुचारू रूप से बिजली नहीं मिल रही है। इसका वजह है कि विभाग के लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया। भोलाटांड गांव के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे थे और कई लोगों ने तो जर्जर तार और बांस के सहारे बिजली अपने घरों में चला तो रहे थे, लेकिन जान जोखिम में डालकर जर्जर तार की चपेट में आ जाने से 3 वर्ष पूर्व एक युवक की मौत भी हो चुकी है। भोलाटांड गांव के लोग वर्षों से सुचारू बिजली और जर्जर तार बदलने, पोल लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी की कान में जू तक नहीं रेंगा। तब आंसू के एक नेता हीरालाल महतो ने इसकी सूद ली और बिजली विभाग के जीएम से लेकर इंजीनियर तक दबाव बनाए और अंततः गुरुवार को गांव में पोल और बिजली के तार पहुंचे और पोल लगाना शुरू हो गया, जिससे गांव के लोगों में खुशी की लहर है। गांव के लोग खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफी दिनों से बिजली व्यवस्था से परेशान थे, गांव में बिजली की पोल नहीं था, बांस के सारे जर्जर तार घर तक ले जाए जाते थे, जिससे खतरा बना रहता था। अब हीरालाल के प्रयास से सुचारू बिजली मिलेगी। भतीजा हीरालाल महतो के प्रयास से हम लोग का गांव का रोशन हो रहा है और आगे भी होगा।
और इनसे हमारा एक आग्रह है कि हमारे घर के सामने 11,000 तार है, उसको हटाया जाए। इतना ही वक्त समाप्त करते हैं। और हम लोग एनजीओ सर से मिले, हम लोग सारे बातों को अवगत कराया, फिर हम लोगों ने प्रोसेस की और सारे जगह माध्यम रखकर पोल का डिमांडिंग, या पोल नहीं था धनबाद जिला में। और जीएम सर को हम धन्यवाद देंगे, हमारे जो इंजीनियर हैं इस क्षेत्र के विवेक जी, उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि वो तत्परता से लगते हुए पूरे अपने पूरा जोश खरोश से यहाँ हम लोग का सहयोग किया, गांव का सहयोग किया। और आज उन्हीं लोग का देन है और सभी लोग का, गांव वालों का देन है कि आज यहाँ पे 30 पोल जो हम लोग लगना था उसका कार्य प्रारंभ हो गया है और गांव में काफी उत्साह है। धनबाद स्टेशन रोड में अहले सुबह एक यात्री बस ने एक पेड़ को अपने चपेट में ले लिया, जिससे पेड़ गिरा पड़ा। साथ ही पेड़ के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार भी टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे सुबह के समय घंटों स्टेशन रोड जाम रहा। जिसके बाद आम लोगों की तत्परता से बिजली विभाग को सूचित कर हाई टेंशन तार में प्रवाहित हो रहे बिजली को काटा गया। लोगों की माने तो आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 6 बजे की यात्री बस अपने निर्धारित समय के अनुसार डीआरएम चौक की तरफ से धनबाद स्टेशन रोड पर प्रवेश कर ही रही थी कि अचानक उस यात्री बस ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क किनारे एक विशालकाय पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद विशालकाय पेड़ सड़क पर ही गिर पड़ा। क्योंकि पेड़ काफी ऊंचा था, जिसके कारण पेड़ के ऊपर से बिजली विभाग के हाई वोल्टेज तार भी गुजर रही थी, जिसे पेड़ ने अपनी चपेट में ले लिया और पेड़ के साथ साथ हाई वोल्टेज तार भी जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ गिरने के बाद पेड़ ने अपनी चपेट में एक कुंभटी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान को भारी क्षति हुई। साथ ही साथ पेड़ और हाई वोल्टेज तार के अचानक जमीन पर आ गिर जाने से स्टेशन रोड में अफरा तफरी का माहौल बन गया तथा स्टेशन रोड पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं यात्री बस इस टक्कर के बाद मौका पाकर भागने में सफल रहे, लेकिन पेड़ और हाई टेंशन तार जमीन पर गिरने के बाद लोग भयभीत हो गए और आनन फानन में बिजली विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग के द्वारा उस हाई वोल्टेज तार में प्रवाहित बिजली को काटा गया। बाद में आम लोग और स्थानीय पुलिस की मदद से सड़क पर लगे रहे जाम को किसी तरह से पुनः बहाल किया गया। फिलहाल धनबाद में एक बार फिर से बड़ा हादसा होते होते बच गया और इस हादसे की भरपाई पेड़ के नीचे स्थित दुकान को चुकाना पड़ा। इस हादसे में क्षतिग्रस्त दुकान के मालिक को स्थानीय लोगों के द्वारा सूचित कर दिया गया। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों के मिली जानकारी के अनुसार हाई टेंशन के तार को कुछ ही घंटों में दोबारा दुरुस्त करने की बातें। धनबाद के जाने माने बीएसएस महिला कॉलेज में आज एक निजी कंपनी के द्वारा हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएस महिला कॉलेज ने पढ़ाई कर रही छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने स्वास्थ्य चेकअप करवाया। हेल्थ चेकअप लगाने वाले निजी कंपनी के कर्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमारे कंपनी के द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 से भी अधिक छात्राओं ने अपनी बीसी, सुगर व थायराइड चेकअप करवाया। इसके साथ ही छात्राओं के अलावा कॉलेज के प्राचार्य के अलावा कई प्रोफेसर ने भी अपना हेल्थ चेकअप करवाया। आपका प्रिंसिपल का करवाएं, प्रोफेसर का करवाएं और काफ़ी यहाँ पे जो स्टूडेंट छात्रा है उनको उपस्थिति में भी उनका भी हुआ है, बीपी हुआ है, शुगर हुआ है, थायराइड हुआ है। छात्राओं का कम से कम 20 से 30 छात्राएं कराई हैं और काफ़ी जो यहाँ की जो प्रोफेशनल महिला हैं वो करीब 50 से 60 लोगों का उन लोगों का करवाए हैं। झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो के पुत्र की मृत्यु बीते दिन के 23 सितंबर को ओशियन जालान अस्पताल में हो गया था, जिसके बाद परिवार ने नम आंखों से पुत्र के अर्थी को फिदा किया। चिता की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक शोकाकुल परिवार में एक अलग भूचाल आ गया। मामला था स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पुत्र वधु को मोबाइल पर अश्लील मैसेज का आना, जिसके बाद अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। बीते 23 सितंबर के दिन पूर्व सांसद और झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो का जन्म हुआ था और उनके पुत्र व सांसद और विधायक रहे राजकिशोर महतो की भी जयंती थी। पिता पुत्र की जयंती पूरे झारखंड में मनाई जा रही थी। खासकर विनोद बिहारी महतो के लिए तो सैकड़ों जगह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे थे कि अचानक दुर्भाग्य देखिए, इस परिवार की चौथी पीढ़ी का चिराग उसी तारीख के दिन बुझ गया। विनोद बिहारी महतो के पुत्र व राजकिशोर महतो के पुत्र हर्ष ने धनबाद के बरटान स्थित एशियन जालान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अंतिम सांस ली। हर्ष राजकिशोर महतो के मंझले पुत्र राजेश कुमार का बड़ा संतान था। इस परिवार पुत्र के आकस्मिक मृत्यु से बेहद दुखी और पीड़ा में था। पुत्र को मुखाग्नि देने के बाद परिवार अपने घर में विराम अवस्था में पड़ा था, जिसके बाद रात तकरीबन 9:30 बजे का समय पुत्र वधु के मोबाइल पर अश्लील SMS आना शुरू हो गया था, जिसके बाद एक के बाद एक कई अश्लील मैसेज मोबाइल पर आते रहा। SMS के आने के बाद शोकाकुल परिवार में हड़कंप का माहौल बन गया और पुणे उस नंबर पर शोकाकुल परिवार ने कई बार फोन लगाया,
लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। अंततः मोबाइल को ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों की मदद से पता लगाया गया कि असली SMS भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि पुत्रवधु विनीत सिंह के कॉलेज के स्टाफ मनोज कुमार थे। विनीत सिंह ने बताया कि मनोज कुमार हमारे कॉलेज के स्टाफ थे, जो कि पहले भी इस तरह की हरकत को लेकर फंस चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह को ही मनोज कुमार हमारे घर पहुंचकर अपने आप को निर्दोष बता रहे थे, जिसके बाद पुलिस की धमकी देने के बाद मनोज ने घटना को तोड़ना मोड़ना शुरू कर दिया गांव में भी, और साथ इस घटना को लेकर अपने ऊपर कई आकाओं का होने का खुलासा किया, जिसमें मुख्य रूप से राहुल कुमार महतो, राजेश कुमार महतो, शंकर महतो, प्रेम सिंह सहित कई और नामों का खुलासा किया, जिसके बाद विनीता सिंह के द्वारा धनबाद पुलिस को सूचना दी। फिलहाल धनबाद पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर थाने ले आई और पूछताछ की जा। कल मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है और हम लोग दुख की घड़ी में हम लोग अपना आपस में बैठे हैं, हम लोग के घर में खाना तक नहीं बना, और मैं अभी पॉलिटिक्स में आई हुई, मैं विनोद बिहारी महतो की पौत्र वधु हूँ और मनोज सिंह मेरे कॉलेज के मामूली स्टाफ हैं, और इन्होंने अभद्र भाषा का अश्लील मैसेज मुझे भेजा है, इस वजह से इनको यहाँ बैठा के, इनका कहना है कि किसी और ने मुझसे ये सब करवाया मेरे मोबाइल से, तो मैंने इसलिए इनको यहाँ बैठा के रखा है, तक जब तक इनके आका यहाँ आ नहीं जाते हैं इनको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। और ये मामला, ये मेरे कॉलेज के स्टाफ हैं, मैसेज ये 9:30 रात को अभी भी मेरे मोबाइल पर है मैसेज, लेकिन वो ऐसा मैसेज है कि इसको सोशल मीडिया पे और फ्लैश नहीं किया जा सकता, इतना गंदा और अभद्र मैसेज है असली। ये खुद आए, इन्होंने रात को मोबाइल ब्लॉक कर दिया, इतने इनको फोन किए गए, ये सुबह सुबह खुद भागे भागे आए हैं। क्या बोले? बोले हैं कि एक तो आप लोग हमसे सकिएगा नहीं, पहले तो इन्होंने धमकियां बहुत दी, उसके बाद जब हम लोगों ने डाटा इनको पकड़ लिया, यहाँ पर मोबाइल इनका सब कुछ कर लिया और बोल दिया कि हम लोग पुलिस में दे रहे हैं, तब जाके ठंडे हुए, बोलते हैं मैंने नहीं किया, मेरे आका लोग हैं उन्होंने करवाया। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं धमकी का, अश्लील मैसेज का, सब गलत है। आपके मोबाइल से भेजा गया? मेरे मोबाइल से भेजा गया है, उसमें कोई गेम किया है, कलम से शमशान घाट में कोई मोबाइल लिया है, वो लाइट जलाने के नाम से रात भर मेरा मोबाइल घर में नहीं था, शमशान घाट से सुबह लेकर आए। कौन लिया है वो? कौन लिया है? वहाँ पे बहुत सारे भीड़ था, तो आप मोबाइल दिए, आपने जानते नहीं, भीड़ था बहुत सारा था, मैं कोई टॉर्च के लिए मांगा, कोई रिलेटिव भी हम लोग का है, रिलेटिव भी है इनका, जो मांगे जिसको दिए जो पहनते होंगे, हाँ। ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम कोई बोले फोन आया तो हम खुद आए, यहाँ धमकी दे रहे थे, खुद धमकी धमकी घर में सुनिए, अकेले आके धमकी कोई देगा? धमकी हम अकेले आए हैं घर में, धमकी देंगे? तो आप पहले भी अश्लील मैसेज कर चुके हैं क्या? मैं धमकी दे के आया है? कैसे आया तुम? रात में मोबाइल पे गाली दिया। झारखंड जनतांत्रिक मोर्चा ने मेडिकल में एडमिशन के मामले को लेकर आज एक विशाल रैली निकाला और उपस्थित कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का सीधे तौर पर आरोप है कि हेमंत सरकार मेडिकल छात्र के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2019 में एडमिशन हुआ और उसके बाद हेमंत सरकार बनी। इस सरकार ने अब तक मेडिकल के छात्रों का एडमिशन नहीं लिया। जिन छात्रों का मार्क्स 575 और 595 है, उनका भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में अब विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं। 2020 में एडमिशन नहीं हुआ, 2021 अब खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा होता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री पर भी प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री सभी काम कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों ने अभिनव एडमिशन लेने की मांग की है। और अभी का जो स्थिति है कमोबेश उसी तरीके से हम लोगों को दिख रहा है, तो हम लोगों का यही है कि भाई जो 2020 की तरह जो 300 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया, जो मैंने सबका नंबर है 514-15 अगर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा 600 तक नंबर है बच्चों का, लेकिन नामांकन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की जो सरकार है, झारखंड सरकार, यहाँ का हम लोग जो स्वास्थ्य मंत्री है, इन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को भविष्य को
मैंने अधर पे लटका के रखे हैं। पेपर मिस्टेक दे दिया गया था, हम लोग को इकोनॉमिक्स का पेपर था जिसके जगह पे हम लोग को ज्योग्राफी का पेपर दिया गया था, वो भी पेपर हम लोग को 10 मिनट बाद मिला, समय से 10 मिनट बाद मिला। जब हम लोग का पेपर मिला, हम लोग मैम को बोले कि मैम ये हम लोग का पेपर नहीं है, तो बोल रही कि तुम लोग, मैम द्वारा बोला गया कि ये यही तुम लोग का पेपर है, तुम लोग क्या सिलेबस में पढ़ी है, तुम्हारी मैम तुम लोग का क्या पढ़ाती है, तुम लोग कभी तो कॉपी खोल के देखना नहीं है। हम लोग बोले मैम हम लोग का ये पेपर नहीं है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में शुरू से एडम स्मिथ से लेकर प्रोफेसर रॉबिन्स का जिक्र किया गया है, उसमें मानते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन कुछ सिलेबस से अलग रहेगा पर पूरा सिलेबस ही अलग नहीं रह सकता, हम लोग का ये कहना था। मैम उल्टा हम लोग को सुनाने लगी कि ये ऐसा बोल रही कि तुम लोग नहीं पढ़िए, तुम लोग का पढ़ने का ये नहीं है, तुम लोग मैम को पढ़ाने का ढंग नहीं है, मतलब हम लोग का कॉलेज का धब्बा लगाया जा रहा था। जमशेदपुर पोर्टकार्ड के मंगला साई में मॉडल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के अनुसूचित जनजाति से परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और पोर्टकार विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से किया। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित के दौरान कहा कि आज हम लोगों ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया है, यहाँ के छात्र छात्राओं को दूर पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा, पूरा भारतवर्ष झारखंड को अलग रूप से देखते हैं जहाँ खान और खनिज का भंडार है। वही राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए कई काम कर रही है, झारखंड के छात्र विदेशों में पढ़ेंगे, राज्य की जनता मुख्यमंत्री के काम से काफी खुश है। वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में आदिवासियों के लिए महत्वाकांक्षी योजना लाई है, जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है ताकि आदिवासी बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। वहीं हम आजादी का 75वां वर्ष पूरा कर रहे हैं और भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कई महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू किए गया। वहीं हमने हाल में ही कश्मीर, असम, सिक्किम, मिजोरम आदि गए हुए थे जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और हमने इन लोगों से मिला आदि कई मुख्य बातें कही। भारत सरकार के माध्यम से पहली बार इस तरह की योजना शुरू की गई, एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू की गई पहले, लेकिन उस समय की योजना और अभी की योजना में बहुत अंतर है। राज्यों को एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए भारत सरकार पैसा देती थी और राज्य सरकार उन स्कूलों को चलाती थी, लेकिन अब यह जो नया पॉलिसी हम सब ने बनाया है उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का सूत्रण किया है कि जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय जो गुणवत्ता आधारित हो, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, और उसी ढंग से जैसे जिला में नवोदय विद्यालय एक होता है, प्रत्येक ब्लॉक में जहां जनजातीय समुदाय की आबादी है वहां पर नवोदय स्कूल के पैटर्न पर ही एक ब्लॉक लेवल में ब्लॉक स्तर पर स्टूडेंट के लिए स्कूल खोली जाए। कंपनी में यहाँ के मूल बसे आदिवासी 75% होगा, दूसरा नहीं होगा। इस प्रमंडल के अंतर्गत में छोटे बड़े जो निजी कंपनी को गिनती कीजिएगा 1500 से कम नहीं है, इसी कुल्हान प्रमंडल में। ये मन नहीं मानेगा 5 लाख तक उसको दंड दिया जाएगा, ये भी प्रावधान कर दिया कि इस धरती का मूलवासी आदिवासी 75% आपको देना ही है। सोच युवा मुख्यमंत्री के क्या है? यार बहुत सा मुखिया, बहुत सा जनप्रतिनिधि आया, कोई गांव जाइएगा तो वृद्धा पेंशन के पास सामने आता है कि नहीं? अरे युवा मुख्यमंत्री कह दिया जो उसमें सीमा था, सीमा का तोड़ दिया, जिसका ही 60 साल हो गया उसका सब आवेदन करेगा, सबको वृद्धा पेंशन मिलेगा। जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के गैर कंपनी इलाकों की कोई भी सड़क और गलियां बंधेरा नहीं रहेगी, जिसके लिए विधायक सजू राय ने पहल शुरू कर दी है, जिसको लेकर विधायक ने बिरसा नगर के मोरदा क्षेत्र में सोलर लाइट का शुभारंभ किया, जिसका उद्घाटन विधायक सजू राय ने नारियल फोड़ कर किया। इस मौके पर विधायक ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 1563 सोलर लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा। ये सभी लाइटें वैसे सड़कें और गलियों में लगाई जाएगी जहां हमेशा अंधेरा रहती है। इन सोलर लाइटों को लगाने के लिए विधायक फंड से लगभग 85 लाख रुपए
कार्य करने वाले कंपनी को जमा करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दो कंपनियां इन सोलर लाइटों को लगाने की जिम्मेवारी ली है और आगे भी कई अन्य कंपनियों को इस योजना से जुड़ने के लिए संपर्क किया है। उनका प्रयास रहेगा कि 2 से 4 हजार लाइट अपने क्षेत्र में लगाया जा सके। कार्य करने वाले कंपनियां 5 वर्ष तक इन सोलर लाइटों के अलावा वर्तमान में मौजूद लाइट की व्यवस्था का रखरखाव करेगी। यह पूरी तरह से झारखंड रीजनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जरेडा के अधीन होगा और उसी के माध्यम से योजना की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम लोगों को अपने क्षेत्र में 1563 सोलर लाइट वैसे जगहों पर जहां अधिकार रहता है लगाने के लिए पैसा सैंक्शन हम लोगों ने कर दिया है। यदि लग रहा है दो कंपनियों ने लगाया, तीसरी कंपनी आज यहां शुरू कर रही है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे लगाते जाएंगे वैसे काम होगा। इनका काम आज शुरू हुआ है इसलिए इसका लोगों ने उद्घाटन के तौर पर किया है पहले, और हम लोग चाहते हैं कि इसके अलावा और भी 2-3 हजार लाइट चाहे जिस तरीका से हो, सोलर हो या नॉन सोलर हो, उसको हम लोग अपने क्षेत्र में जगह जगह लगाएं। और जहां लाइट लगी है खराब हो गई है उसके भी मरम्मत का एक सिस्टम हम लोग डेवलप करें। ये योजना तो 1563 का है, करीब करीब 85 लाख रुपया इस पर खर्च होंगे। हमने अपने विधायक फंड से जो भी पैसा इसमें लगना है उसको पहले ही दे दिया है। अब जिलेडा है झारखंड सरकार की कंपनी है, आगे भी और भी 3 कंपनी आने वाली हैं, उनका भी लगेगा जहां जहां इस तरह के कार्यक्रम होंगे और इसमें 5 साल तक इसका मरम्मत करें। इसलिए हम लोग सबका नंबर दे रहे हैं किस नंबर के पोल पर ये लाइट खड़ा है, और आसपास के 4-5 लोगों का हम लोग फोन नंबर ले रहे हैं ताकि हम भी उनसे पूछताछ करते रहें, और जब भी कोई लाइट खराब हो तो वो लोग भी हमारा जो शिकायत का कोषांग है उसमें तुरंत खबर कराएं, हम लोग उसको बनवाने का प्रयास करेंगे। जामताड़ा के विधायक शुक्रवार को जमशेदपुर लाइब्रेरी समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारी तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को काम करना चाहिए न कि राजनीति। गौरतलब हो कि विधायक इरफान अंसारी लाइब्रेरी समिति के अध्यक्ष है और समिति की बैठक हेतु वे जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके इसके लिए वे प्रयासरत है, खासकर गांव में निवास करने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले ये उनकी प्रयास है। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि अधिकारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को तवज्जो दे, उनकी बात सुने और जनता का कार्य करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें इस बात की शिकायत मिली है। वहीं उन्होंने उनके वायरल ऑडियो के मामले पर कहा कि वह ऑडियो 16 महीने पहले की है, जहां एक युवती की शिकायत पर उन्होंने एसडीओ को फटकार लगाई थी और उस ऑडियो को वायरल कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वे प्रशासनिक अधिकारी हज और उनके केवल जनता का काम करना चाहिए न कि राजनीति। सर सवाल यह था कि जो पढ़ाई बंद हो गई है जो स्कूलों में होती थी वो उसके लिए क्या पहल होगी, क्या सरकार उसको फिर से शुरू करेगी? हमारी सरकार, मैंने कहा कि हमारी सरकार काफी गंभीरतापूर्वक हर मुद्दे को अंग लेते हैं। आपने जो बातें कहा है तो निश्चित तौर पर बांग्ला लैंग्वेज जो है, बांग्ला उड़िया एवं अन्य भाषा पढ़ाई होती थी, अब नहीं होती है। देखिये उनकी पुस्तकें ही नहीं आती है। देखिये हम ये कहेंगे कि जब उड़ीसा में भी हमारा अगर आदिवासी लैंग्वेज का पढ़ाई हो तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे। आप वहां पढ़ाते नहीं हैं और यहां आप मांग करते हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? अभी आप सोचिए ना, कॉमन सेंस होना चाहिए ना। आप हमारा संथाली लैंग्वेज पढ़ाई बिहार में, मांगे आप जो मांगे हम देंगे, जाइए। मतलब हम लोग सबसे, हम लोग स्थानीय, हम ही लोग सबसे मूर्ख है क्या? आप ही लोग बहुत उत्तर है क्या? आप सम्मान दीजिएगा नहीं, और हमसे कहिएगा कि आप सम्मान दीजिए। हम तो सम्मान दे रहे हैं लेकिन आप हमको ही सम्मान दीजिए। वहां उड़िया अब पढ़ाई उड़ीसा में कहना है, दीजिए संथाली पढ़ाई हो उड़िया, बंगाल में पढ़ाई में संथाली लैंग्वेज बंगाल में पढ़ाई है, पढ़ाएगा कभी? मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए आप, नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। जामताड़ा के विधायक एवं पुस्तकालय समिति के चेयरमैन इरफान अंसारी पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से नाराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के बिचौलियों के कारण एसपी और डीसी का व्यवहार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है। इरफान अंसारी विभागीय कार से जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में ठहरने के दौरान पत्रकारों के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन सरकार सर्वधर्म नीति के तहत बना है, लेकिन जमशेदपुर में आज भी भाजपा के बिचौलियों का दबाव प्रशासनिक विभाग में है, जिस वजह से ब्लॉक से लेकर जिला तक सरकारी विभाग में कांग्रेस पार्टी सहित गठबंधन के अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के साथ डीसी और एसपी सही व्यवहार नहीं करते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि अपने व्यवहार में सुधार लाए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, अन्यथा पार्टी उनके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे जमशेदपुर के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी आग्रह करेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुधी लेते हुए उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य करें। हम यहाँ के डीसी को मैं कह देना चाहता हूँ और एसपी को कि सरकार बनी है, सेकुलर सरकार का गठन हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ भाजपा के लोग हावी हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। आप ब्लॉक से लेकर जिला तक जाइए तो अच्छा से बात नहीं करता है डीसी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनिए, मैं आया हूं आज यहाँ पदाधिकारी स्पेशल कार्यकर्ताओं कांग्रेस और जेएमएम जो हमारा सबको सम्मान करे, और आज भी बिचौलिए लोग जो है भाजपा के लोग हैं, पूरा कोकस बनाकर रखा है लोग हर विभाग में, ये नहीं चलने दूंगा मैं। और मैं बन्ना गुप्ता से जो यहाँ के मंत्री उनसे कहूंगा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी देखिए आप किस हाल में मेरा कार्यकर्ता है, कि कांग्रेस है तभी हम सब हैं, तभी हम विधायक है तभी मंत्री हैं, और सारे कार्यकर्ता लोग तो क्या मंत्री जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं देखते हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने ये कहा कुछ नहीं, अभी आपने कहा कि बोलेंगे तो क्या नहीं देखते हैं अभी? नहीं, उनको देखना और चाहिए। किस तरह से अभी तक क्या मतलब नजरअंदाज कर रहे थे? नहीं नहीं, और देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ देखिए अभी जो शिकायतें आ रही है, मैं तो ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सारे लोग मुझे शिकायत कर रहे हैं कि क्या शिकायत किया कि मंत्री जी नहीं देख रहे विभाग डीसी एसपी की बात कर रहे हैं, मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है, लगाम लगाने की इस पर आवश्यकता है, बेलगाम ही सब होती जा रहा है। धनबाद मारवाड़ी युवा मंच हीरापुर शाखा द्वारा अग्रसेन भवन में विगत 10 दिनों से कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन कर रही है। आज 10वां दिन वैक्सीनेशन कैंप में 300 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को स्वच्छ वातावरण में वैक्सीन लगाई जा रही है। स्थानीय लोगों की सेवा के लिए कैंप प्रतिदिन लगाया जा रहा है, जिसमें मारवाड़ी युवा मंच के समर्पित कार्यकर्ता दिन रात एक कर वैक्सीनेशन कैंप में सेवा दे रहे हैं। हीरापुर शाखा की ओर से अग्रसेन भवन में आज 10 दिनों से वैक्सीनेशन कैंप चलाया गया। इस कैंप में कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। इस कैंप में लगभग 3000 आदमियों ने कोरोना से लड़ाई की कैंप, और हमारी संस्था की ओर से हम चाहते हैं कि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के वैक्सीन लें और कोरोना से लड़ाई में कैंप। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर की कार्यकर्ता उषा सिंह को राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, जिनके लिए उन्हें राष्ट्र कमेटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि कार्यभार मिलने के बाद कई राज्यों में नई कमेटी के गठन हेतु कार्य भी शुरू कर दिया गया और कई स्थानों पर नए सदस्यों को जिम्मेवारी भी सौंपी है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और जिलों में कमेटी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, उन कमेटी को भी बदला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि वे युवा वर्ग को और अनुभवी लोगों के साथ लेकर चलेंगे ताकि मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो सके। डॉक्टर डेविड राज को बधाई दूंगी कि मुझे इस लायक बनाए और मुझे इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मानव हित के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। सबसे पहले बना तो मैं दिल्ली स्टेट चेयरमैन बना के आई हूँ, और 4 राज्यों में मैंने अभी नॉमिनेशन कर दिया है, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश का अभी मैं तुरंत करने जा रही हूँ इस 15 दिन के अंदर। मैं उत्तर प्रदेश और गैंगटॉक, शिमला, दार्जिलिंग और सभी जगहों से मेरे पास आ गया है लोगों का, और काफ़ी राज्यों से आ रहा है। तो मैं सबसे पहले जितने भी पुराने कार्य पे थे ऑल इंडिया में, सबको जो वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक, मैं कमेटी को भंग करके चेंज करूंगी, और मानवाधिकार के लिए जो हक और हुकूम की लड़ाई होगी मैं हमेशा लड़ूंगी। सिटी एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी। आवर कॉन्टेक्ट नंबर 7903302477।